अपने फोन में गूगल मैप हमेशा चलता रखना। मैं वो मैं करा रहा या श्योर श्योर थैंक यू। है ना सिंगापुर फ्लायर, ये बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल से काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। I'm from the US. And you? Austria. यहाँ पे लाइव इवेंट चल रहा है कोई एप्पल का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस जॉन। सो स्वागत है जी आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। भाई अभी गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो चुका है, 3 बजने वाले हैं और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। आज मेरा प्लान था वैसे सुबह उठ के यूनिवर्सल स्टूडियो जाने का और सेंटोसा आइलैंड जाने का, बट वहाँ मैं जा नहीं पाया, नींद ही बहुत लेट खुली। जो 3 दिन से जो मेरी नींद बीच बीच में पूरी हो रही थी, नहीं हो रही थी, वो कल रात को जाके कम्प्लीट हुई है बढ़िया से। और मिली है हमारे एक और भाई से। हाय, आपका नाम बता दो। मेरा नाम है मोहम्मद इस्लाम। मिले हमें बांग्लादेश से हैं, तो आज हम दोनों मिलके जा रहे हैं भाई घूमने के लिए। मैं कहा चल सेंटोसा तो जा नहीं पाए, वो कल का प्लान रखेंगे, कल फाइनली आपको दिखा देंगे इससे अगले व्लॉग में यूनिवर्सल स्टूडियो और सेंटोसा आइलैंड। कल तो जा रहे हैं हम सिंगापुर का जो फ्लायर है वहाँ जाके आएंगे, और मरीना बे डे में कैसे दिखता है वो आपको आज के व्लॉग में दिखाएंगे, और एक वहाँ का जो मॉल है वो भी दिखाएंगे। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हमने आपको चाइना टाउन दिखाया था, भाई चाइना टाउन भी बहुत सही है। आज हम इस व्लॉग में ट्राई करेंगे कि लिटिल इंडिया भी कंप्लीट कर लें। गाइस अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना मरीना बे साइड, तो भाई अपने फ़ोन में गूगल मैप हमेशा चलता रखना, यहाँ के वाईफाई पे मत डिपेंड रहना। वैसे तो मैंने इंटरनेशनल पैक डलवा रखा है, इसकी वजह से मेरा इंटरनेट अभी चल रहा है, सो इसको फॉलो करते करते पहुँच जाएंगे हम। अगर ये ना हो तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अंदर ही अंदर ना बड़ा सारा कन्फ्यूजिंग रास्ता है, तो पता नहीं चलता है यहाँ के बारे में। तो भाई अभी घूमते घूमते पता ही नहीं लगा यार किस मॉल से एंटर हुए थे और कहाँ से एग्जिट हुए हैं। ये कहीं होटल में से निकले हम, और भाई बाहर हवा चल रही है बड़ी ही प्यारी, ऐसा मौसम हुआ रहा है ना बस, फिर कोई दिक्कत नहीं। दिन का नज़ारा भी अलग ही है। सो यहाँ पे अब आएंगी बढ़िया बढ़िया फोटोज़। मैंने आपको बोला था ना फोटोज़ खिंचवाने के लिए एक बंदे का, मैं जुगाड़ कर लूँगा, सो कर लिया हमने। वो देखो भाई खड़ा है, ये हमारी बढ़िया बढ़िया फोटोज़ खींचेगा। सो अब चलते हैं मरीना बे की तरफ, यहीं कहीं है पर पता नहीं चल रहा ना, कन्फ्यूजिंग इतना। उस दिन भी रात को मैं कम से कम भी 5 किलोमीटर ऐसे इधर उधर घूमता रहा मेट्रो स्टेशन ढूंढने के लिए, और फिर भी नहीं मिला मुझे मेट्रो स्टेशन। जिस चीज़ को मैं कितनी देर से मरीलियन मरीलियन बोली जा रहा हूँ ना, वो है मरलायन। मैंने आगे बंदे से लोकल से पूछा कि भाई मरीलियन जाना है, वो कह रहा कि यार मरीलियन आ गए यहाँ पे। तो फिर उसने बताया, कह रहा अच्छा मर लाइन, फिर हम उसने बताया रास्ता, तो यहाँ से राइट मुड़ के है। सो गाइस ये देखो जी दिन का नज़ारा है यहाँ से, कितना बढ़िया लग रहा है। रात को भी बिल्डिंग्स दिखाई थी, अब दिन में देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही हैं। लाइटिंग में अलग ही वाइब आती है, दिन में अलग ही वाइब आती है। और ये यहाँ पे बोट्स वगैरह खड़ी हैं अगर किसी ने बोट राइडिंग करनी हो तो। सो गाइस ये देखो जी व्यू यहाँ का, ओए होए होए नज़ारा ही आ गया भाई, दिन का व्यू गजब आ रहा है गजब। और यहाँ पे फोटोज़ जो आने वाली है ना, बड़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया फोटोज़ आने वाली है यहाँ पे। मैं तो मैं फोटोज़ और इंस्टा की एक दो रील्स बनानी थी, उसके लिए दोबारा से आया हूँ। और ये देखो गाइस क्या ही व्यू है यार, मैं कह रहा हूँ ऐसे व्यू के साथ सुबह होनी चाहिए, बस ऐसे ही किसी जगह पे अपना फ्लैट होना चाहिए। ओए होए होए, और सामने सुबह उठते ही ना जैसे ही पर्दे हटाओ बस ये व्यू चाहिए सामने। अरे हाय नज़ारा ही आ जाए। तो जी गाइस बढ़िया बढ़िया फोटोज़ वगैरह तो हमने खींच ली हैं भाई, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी थोड़ी देर पहले जब स्टेशन से बाहर निकले हैं इतनी बढ़िया हवा चल गई थी, और फिर से इतनी तेज़ धूप आ गई है, यहाँ के वेदर का कुछ नहीं पता चलता। अरे देखो पसीने, ओए होए भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सो गाइस मुझे ना अभी एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखी है, आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो जी बैंक ऑफ अमेरिका, सारे बैंक ही हैं देखो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। हेलो वेयर आर यू फ्रॉम? ओके आई हैव अ यूट्यूब चैनल, नेम इज प्रिंस जॉन। प्रिंस जॉन, यस यस यस, या श्योर श्योर थैंक यू, बाय बाय। भाई अभी हमें एक बंदी मिली थी नीदरलैंड से, कहती आप स्मार्ट हो, हमें लेने मार रही है। मैं कहा मैरिड हूँ मैं भाई, लेने ना मार। कह रही मेरी एक दो फोटोज़ क्लिक कर दोगे, मैं कर देते हैं। फिर बातें करने लगी, कह रही मैं नीदरलैंड से हूँ, कह रही आप वीडियो को शूट कर रहे हो, मैंने कहा मेरा यूट्यूब चैनल है। कह रही हाँ मैं जाके देखूँगी पक्का। वही एक चीज़ है। अच्छा ये क्लीनिंग वाली मशीन है इनका, रोबोट, क्लीनिंग रोबोट, सही है यार, क्या ही एडवांस है। मेरे को तो एक चीज़ नहीं समझ आती है, सिंगापुर के लोग इतने गोरे रह कैसे लेते हैं, क्योंकि मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई है। देखना शक्ल के 12 बज गए हैं, पसीने इतने ज़्यादा गंदे वाले आ रहे हैं ना, और ये पता नहीं यहाँ कैसे गोरे गोरे होते हैं इतने। लो जी गाइस आ गए हैं यहाँ की सबसे मेन अट्रैक्शन पर, जहाँ पे उस दिन रात को आए थे। दिन का व्यू कुछ ऐसा है जी यहाँ से, मैं यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवानी थी इसलिए सबसे मेन मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि रात को इतनी ज़्यादा फोटोज़ बढ़िया आ नहीं रही थी, और उस टाइम पे कोई हमारे साथ था भी नहीं। और अब तो भाई है फोटो खींचने के लिए, बढ़िया बढ़िया फोटोज़ खींच रहे हैं। अम्ब्रेला लेके आना चाहिए था यार, मतलब ये हाल हो जाता उसका। नहीं लाना चाहिए था। ये देखो गाइस कितनी पास रेनबो बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ये बिल्कुल ये रेनबो बना हुआ है वो। भाई साहब कितनी पास पहली बार देख रहा हूँ।
भाई थकावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मैं क्या थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए, चल चल के में ना बुरी हालत हो जाती है, तो मैं क्या थोड़ी देर बैठ के रेस्ट वगैरह कर लेते हैं। और भाई यहाँ का व्यू है ना, जो मतलब फ़ोन वोन सब साइड में रख के यहाँ का सामने व्यू देखते रहो, मज़ा आ जाता है, बस आराम से यहाँ पे बैठ के चिल करते रहो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अभी थोड़ी देर में चलते हैं जी फ्लायर देखने के लिए, फ्लायर में पता करके आना है टिकट का क्या सीन है, पता करना है शाम को स्टार्ट होता है या फिर अभी चल रहा है। वैसे मुझे लग नहीं रहा, सामने बिल्कुल रुका ही हुआ है अभी, तो ट्राई करके आते हैं। और एक वो मॉल के सामने ना मुझे एक स्टोर सा दिख रहा है, वो शायद एप्पल स्टोर है जो यहाँ का फेमस काफ़ी, पूरा ही पूरा ग्लास का बना हुआ, वो भी देख के आते हैं। अभी चलते हैं, ये बिल्डिंग्स दिन में भी कितनी अच्छी लग रही हैं, अभी जैसे ही रात हो जाएगी ना तो और बढ़िया हो जाएगा देखने में। और गाइस ये जो फ्लायर है ना, सिंगापुर फ्लायर, ये बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक मेंटेनेंस में रहेगा, अंडर मेंटेनेंस रहेगा, तो ये चलेगा नहीं। सो अभी ट्राई करके आते हैं, पता नहीं अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा। अभी मैंने क्लूक पे बुक कर रहा था तो मैं वहाँ पे देखा कि ये जो है 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक बंद दिखा रहे हैं। अभी आज तो 28 मार्च है, तो देखते हैं जाके, क्या पता आज तो खुला ही हो, पर ये मेरे को लगता है चलता शाम को ही होगा, लाइटिंग में इसमें बैठने का मज़ा आता होगा, इस टाइम तो नॉर्मल ही होगा सब कुछ। उस साइड पर सारे सिंगापुर के बैंक वगैरह आई थिंक, और इधर से फिर सारे ये फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं सिंगापुर के, और वो होटल है या फ्लैट जो भी है। ऐप में डाल के देखना कर्व ब्रिज किधर है, कर्व ब्रिज, अच्छा वो रहा वो सामने ब्रिज दिख रहा है आपको, वो कर्व ब्रिज है। सो गाइस ये देखो जी, अगर किसी को बाइसाइकिल रेंट करनी हो ना यहाँ पे आके मरीना बे पे, तो ये सिटी स्कूट बाइसाइकिल रेंटल है, इनसे पता करके आते हैं कि क्या प्राइसेस रहता है यहाँ पे। फर्स्ट आवर का $15, उसके बाद 30 मिनट $5। यहाँ पे प्राइसेस वगैरह मेंशन है सारे, सो ये देख लेना, ये सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ओपन रहता है। ये देखो गाइस इवनिंग का टाइम हो गया, लोग साइकिलिंग वॉकिंग करना शुरू हो गए हैं। गाइस ये देखो जी, ये यहाँ पे है DBS फाउंटेन आउटडोर थिएटर है यहाँ पे, कोई ये थिएटर किधर है, यहाँ पे बैठ के मूवी देखेंगे, थिएटर तो नहीं ये, अच्छा ये स्क्रीन लगा रखी है शायद, ये आउटडोर थिएटर नहीं अंदर होगा, है तो है पर ये नहीं पता कहाँ पे है। सो अगर किसी को मूवी देखनी हो वो भी देख सकता है कोई यहाँ पे आके। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मैं बस यहाँ तक ही आया था, इससे आगे नहीं आया था, सो अब इससे आगे चल के आपको दिखाते हैं जी कर्व ब्रिज, और उसके बाद चलते हैं उस वाले मॉल में, वो आगे से कोई रास्ता जा रहा है कर्व ब्रिज का, देखते हैं किधर से जाना है। तो भाई ये यहाँ से रास्ता जा रहा है जी हेलिक्स ब्रिज और सिंगापुर फ्लायर की तरफ। ये देखो भाई लोगों को धूप से बचाने के लिए कितनी बढ़िया टेक्निक लगा रखी है कि लोग छाँव छाँव में जाएँ, अलग से एक रास्ता बना रखा है सेपरेट सड़क के साथ साथ, इसकी उस तरफ सड़क है और इस सड़क के साथ साथ रास्ता जा रहा है, ना कोई धूप ना कुछ, आराम से। और देखो यहाँ पे भी भाई CCTV फुटेज कैमरा लगे हुए हैं हर जगह पे, इंस्टॉल हैं CCTV, और लाइट्स वगैरह भी लगा रखी हैं रात को भी, प्रॉपर कोई दिक्कत ना हो किसी को आने जाने में। यहाँ से फाइनली पहुँच गए जी हेलिक्स ब्रिज पे, ये है जी यहाँ का हेलिक्स ब्रिज, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और कहते हैं ये वर्ल्ड का पहला कर्व ब्रिज है, ऐसा सुना है इसके बारे में। और ये देखो जी यहाँ से भी क्या सुंदर व्यू आ रहा है, देखो ऐसे सारा का सारा ब्रिज है जो स्टील से बना हुआ है, बड़ा ही हैवी क्वालिटी स्टील है, और ये ग्लास से टफन ग्लास से बना हुआ है, और देखो बिल्कुल हम पानी के ऊपर खड़े हैं, क्या ही तकनीक लगाई है इसको बनाने में, ये सारा ऐसा लग रहा है कि अलग अलग पार्ट इसके बने हैं और फिर ये असेंबल किया गया है यहाँ पे। ये देखो पूरा का पूरा आगे तक कर्व है। वे आर यू फ्रॉम? आई फ्रॉम द US। एंड यू? ऑस्ट्रिया। ओके यूरोप। Okay, nice. Where you guys from? I'm from India. India? Bangladesh. Bangladesh? Oh. Yeah. I want to go so fast. Guys, यहाँ पे ना नए नए लोगों से मिलके बातें करके बड़ा मज़ा आ रहा है, सो नए नए एक्सपीरियंसेस शेयर करने को मिलते हैं, अपनी बातें रखो और उनकी सुनो, मज़ा आता है। सो गाइज फाइनली वी आर एंटर्ड इन द मॉल, और भाई क्या ही लग्जरी मॉल है ये देखो जी, मेरे को तो यहाँ पे खड़े होते हुए भी डर लग रहा है, क्या ही सुंदर है यार अल्टीमेट, और एक से एक लग्जरी ब्रांड है यहाँ पे, वर्सेचे डियोर सब दिख रहे हैं मुझे यहाँ से, सो जाके एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी सुंदर मॉल है। ये देखो ये ब्रांड का नाम देखो क्या है, अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? गाइस ये सिंगापुर का सबसे बड़ा मॉल है, जहाँ पर एक ही रूफ के नीचे आपको हर एक ब्रांड मिल जाएगा, प्राडा गुच्ची एलवी टिफनी सेंट लॉरेंट सब कुछ है यहाँ पे भाई, एक से एक, और बैलेंसियागा का शोरूम तक है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टोर्स एक ही रूफ के नीचे हैं यहाँ पे,
और भाई काफी ज्यादा बढ़िया लगा देख के, मजा आ गया। दिल तो मेरा बड़ा ज्यादा कर रहा है कि एक बार बैलेंस ही आगे मैं जाऊँ, चाहे कितने के भी जूते ना एक बार ले लूँ। 1,00,000 रुपये से नीचे तो मेरे को लगता नहीं कि कोई होंगे, एक बार ट्राई करें जाके। वैसे ऐसे स्टोर्स में ना वीडियोज़ वगैरह अलाउड नहीं होती बनानी। और ये देखो भाई बर्बरी, रियल बर्बरी, ऐसा ऐसा मैं भी लेके आया हूँ, पर वो कॉपी है, ऐसे ही शॉर्ट्स है और ऐसी शर्ट है। चेकआउट गाइस, बैलेंसियागा रियल बैग्स एंड शूज़, और ये बैलेंसियागा की जैकेट है रियल। और एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस शू? 1,700। ओके, सो भाई अभी कैलकुलेशन करके देखिए, वो जो शूज़ था ना 1,09,000 रुपये का शूज़ था। भाई कोई इतना मतलब कोई इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं है कि ले ना पाए, ले सकते हैं फिर भी फजूल खर्ची क्यों करनी है। शूज़ मैंने लिया था, ये बैंकॉक से लिया था, ये 22,000-23,000 का शूज़ है। ये भी ठीक है, 1,00,000 कोई बहुत ही ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मतलब अगर दिल मार के लेना चाहे तो बंदा ले भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़े दिन दुख होगा पर वर्थ इट है यार, फिर वो ब्रांड भी तो है। वो मेरा गैस सही निकला, वो दूर से मुझे दिख रहा है कि वो एप्पल का ही स्टोर है, एप्पल का बहुत बड़ा लोगो दिख रहा है सामने, जूम करके दिखाता हूँ शायद दिख जाए तो। वो देखो जी, सो एक बार जाके आते हैं वहाँ पे भी। सो गैस ये ना एप्पल का ऑथराइज स्टोर है सिंगापुर का, यहाँ पे जाके प्राइस चेक करता हूँ कि कितना फ़र्क है इंडिया और इसमें, इंडिया के प्राइस में और सिंगापुर के प्राइस में कितना फ़र्क है आईफोन 15 प्रो मैक्स का और एक एयरपोर्ट वगैरह का या मैकबुक M3 का। पूरा ग्लास का एक बोल लग रहा है और पानी के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है एप्पल का स्टोर। ये क्या, ये वाली एंट्रेंस बंद है? और भाई बेसमेंट से कौन सी एंट्रेंस है वो? ये तो पूरा समुंदर के अंदर है, इसके नीचे से भी कोई एंट्रेंस है? अरे भाई हाँ, वो लोग जा तो रहे हैं। मॉल के अंदर से ट्राई करते हैं, बिल्कुल पानी के अंदर से भाई बेसमेंट से रास्ता जा रहा है। सो गाइस फाइनली 10 मिनट की वॉक के बाद भाई पहुंच ही गए एप्पल स्टोर पे, और ये है जी एप्पल स्टोर और ये बेसमेंट के अंदर से रास्ता जा रहा है। आओ चलो चल के देख के आते हैं। यहाँ पे फ़ोन दिखने शुरू हो गए हैं, 15 प्रो मैक्स, इसका प्राइस देखते हैं। यार ये कलर लेना था मेरे को पर मैंने ब्लू ले लिया, ये सबसे बेस्ट कलर लगता है मुझे 15 प्रो मैक्स का। बेसमेंट के अंदर से जा रहे हैं हम, हमारे ऊपर जो है वाटर है और ये सीधा अभी हम पहुँचेंगे एप्पल स्टोर के अंदर जो बाहर से मैं आपको दिखा रहा था। यार मज़ेदार चीज़ है। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं जी एप्पल स्टोर के अंदर। ओए होए क्या ही गजब नज़ारे हैं, ये चीज़ देखो आप, ये व्यू चेक करो, ओए होए गजब। अभी देखते हैं प्राइजेज वगैरह चेक करते हैं यहाँ पे फ़ोन वगैरह के, आईफोन 15 प्रो मैक्स कहाँ है। सो गाइस ये 15 प्रो का प्राइस कैलकुलेट करके देखते हैं, 1,25,054 रुपये का, मतलब इतना कोई ज़्यादा सस्ता नहीं है, वही वाला ही प्राइस है जो हमने वो मॉल में देखा था, सेम प्राइस ही है, दुबई में ज़्यादा सस्ता है। सो गाइस यहाँ पे लाइव इवेंट चल रहा है भाई एप्पल का। अच्छा ये मैरीना बे पे कैसी फ़ोटोज़ लेनी है उसके बारे में थोड़ा बताया जा रहा है कि आप ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो फीचर एप्पल के। सो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ जी सिंगापुर फ्लायर की तरफ, वहाँ पे राइड करते हैं, अगर वो खुला हुआ है तो राइड कर ही लूँगा उसकी भी, एक बार टिकट वगैरह का पता कर लेता हूँ और देख लेता हूँ खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ। वैसे तो 1 अप्रैल से बंद रहना है वो 31 तक, तो ये मेरा व्लॉग उससे पहले ही आ जाएगा, अगर किसी का प्लान बन रहा है तो फिर वो देख लेना अपने हिसाब से। वैसे तो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे करने वाली, ज़रूरी नहीं कि वही करना है, बट है कि उसको देख के भी उतनी खुशी मिलती है। अब उसके अंदर बैठ के देखते हैं कि क्या अलग एक्सपीरियंस रहता है। घूमते घूमते ना 7:30 बज चुके हैं और मैं ज़रा आपको वो दिखाता हूँ कि मैं कितने कदम आज चल चुका हूँ। आज का सिर्फ रिकॉर्ड दिखाता हूँ मैं आपको, 10,620 स्टेप्स मैं आज चल चुका हूँ और ये कितने हो गए, ऑलमोस्ट 7.75 किलोमीटर मैं आज चल चुका हूँ एक दिन में, सिर्फ 3 बजे से लेके अभी 7:30 बजे तक। तो इतना मैं डेली चल रहा हूँ और इतना मैं कह रहा हूँ मैं पूरे महीने में नहीं चलता हूँगा इंडिया में, सो इसीलिए हेल्थी भी रह रहा हूँ, फालतू कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, ये चीज़ बढ़िया लग रही है बस मुझे। सो गाइस अभी मैं आया हुआ था सिंगापुर फ्लायर के पास, वो देखो जी ऊपर कितना ही बड़ा लग रहा है, नज़ारेदार चीज़ है। और ये धीरे धीरे देखो चल रहा है, पास से देखो तो पता चलता है, और क्या ही सुंदर नज़ारा है। और इसकी जो टिकट है ना वो है जी $40 की, 2473 रुपये समथिंग बैठते हैं इसका। ए सी ना कि आप 6 बजे चाहे इसके अंदर चले जाओ, 8:30 तक आप आराम से बैठ सकते हो। अभी जो टाइम हो रहा है वो जी 8 तो पहले ही बज चुके हैं, 8:05,
और अगर मैं अब जाता हूँ तो मुझे आधे घंटे के अंदर वापस आना पड़ेगा, तो फिर वर्थ इट नहीं है 2473 रुपये लगाना। सो मैं सोच रहा था इस एक्टिविटी के लिए ना कल आता हूँ और आराम से आएंगे, कम से कम एक दो घंटे स्पेंड तो करेंगे इसके अंदर, पूरा सिंगापुर का व्यू तो लेंगे तभी मज़ा आएगा। ऐसे जल्दबाजी में जाएंगे तो फिर वो फील ही नहीं आएगा। तो गाइस इससे जो अगला व्लॉग आएगा ना वो आएगा जी यूनिवर्सल स्टूडियो का परसों सुबह 10 बजे, और ये जो दो एक्टिविटी हैं ये पक्का करूंगा ही करूंगा। सो फिलहाल तो जी अगर आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया तो चैनल की सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं जी परसों नई वीडियो के साथ। आज के ब्लॉग में थोड़ा अनबैलेंस हुआ है, पता नहीं एडिटिंग करूंगा तो पता चलेगा। फिलहाल तो मैं अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, खाना खुना खा के सोते हैं, एडिटिंग करनी है अभी 2 घंटे बैठ के, और सुबह पक्का टाइम से उठ के जाना है जी हमें यूनिवर्सल स्टूडियो। सो फिलहाल तो जी अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं परसों सुबह 10 बजे आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।